नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रही हूं जिसका प्रयोग करके आप घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। नंबर एक, तेज बुखार आने पर ठंडे पानी का कपड़ा सिर पर रखने से बुखार सिर पर नहीं चढ़ता है। नंबर दो, घुटने में दर्द है तो अखरोट की गिरी खाएं, फायदा मिलेगा। नंबर तीन, अगर आपको अच्छी नींद लेने के बाद भी शरीर थका हुआ महसूस होता है तो आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है, इसलिए जब भी सोकर उठें तो एक से दो गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। नंबर चार, ज्यादा थूक बाहर निकालने से हमारा दिमाग कमजोर होने लग जाता है और शरीर में भी पानी की कमी आ जाती है और खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है। नंबर पाँच, ठंड के मौसम में मूंगफली का नियमित सेवन खांसी में राहत दिलाता है। मूंगफली शरीर में गर्माहट लाती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इससे दिल भी स्वस्थ बना रहता है। नंबर छः, टमाटर को आधा काट के उसमें थोड़ी सी कॉफी पाउडर डाल के चेहरे पर हल्के हाथों से एक से दो मिनट मसाज करने से चेहरा खिल उठता है। नंबर सात, जो इंसान सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं उनके स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है और धीरे धीरे उनके अंदर कई बीमारियां पनपने लगती हैं, इसलिए सुबह नाश्ता जरूर करना चाहिए। नंबर आठ, अगर आपके होंठ काले पड़ जाएं, तो रात को सोने से पहले दही की मलाई अपने होठों पर लगाएं, इससे आपके होंठ लाल और मुलायम हो जाएंगे। नंबर नौ, काली मिर्च पानी के साथ खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। नंबर दस, काले हाथ पैरों पर नींबू का रस मलाई में मिलाकर रोजाना लगाने से सांवली त्वचा भी धीरे धीरे गोरी होने लगती है। नंबर ग्यारह, जिन औरतों के प्रेगनेंसी के बाद पेट पर दाग पड़ जाते हैं वह पालक का रस निकालकर दाग पर लगाएं, इससे दाग धीरे धीरे चले जाते हैं। नंबर बारह, अजवाइन कब्ज को खत्म करती है। रात को सोने से पहले एक चम्मच अजवाइन के साथ गुड़ मिलाकर खाकर एक गिलास गर्म पानी पीने से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। नंबर तेरह, रोजाना रात को सोते समय नाभि में बादाम का तेल लगाने से दिमाग तेज होता है और चेहरे पर चमक आती है। नंबर चौदह, हमेशा खाना खाने के बाद सौंफ या गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है और हमारा खाना जल्दी हजम भी हो जाता है। नंबर पंद्रह, चेहरा धोने के लिए दिन में एक बार सादे पानी की जगह चावल के पानी का इस्तेमाल करें, इससे रंग तेजी से गोरा होता है। नंबर सोलह, जो औरतें नहाने से पहले अपने बालों में दही से मसाज करती हैं तो उनके बाल सुंदर और चमकदार होते हैं। नंबर सत्रह, दांतों को स्वस्थ और साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए, उसके बाद एक गिलास पानी पीकर ही सोना चाहिए। नंबर 18, औरतों में अगर खून की कमी हो तो रात को तीन खजूर पानी में भिगोकर अगले दिन सुबह खाली पेट पानी पी लें और खजूर को खा लें, इससे खून की कमी दूर होती है। नंबर 19, अगर आपके पैर की एड़ियां फट गई हैं तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगाने से एड़ियां ठीक हो जाएंगी। नंबर 20, यदि आपकी हड्डियां कमजोर हैं या हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है तो अपनी डाइट में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम वाली चीजों का सेवन करें। नंबर 21, छालों पर हरे धनिये का रस लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। नंबर 22, पेट दर्द की समस्या को दूर करने के लिए एक चम्मच अजवाइन में चुटकी भर नमक डालकर मिला लें, वहीं एक गिलास में गुनगुना पानी लें। अब अजवाइन को चबाकर खाने या निगलने के बाद गुनगुना पानी पी लें, इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिक पदार्थ रिलीज हो जाते हैं। नंबर 23, अगर आपको ठंड लगने का एहसास हो रहा है तो आप हल्का गुनगुना पानी पी लें, इससे बहुत ही आराम मिलता है। नंबर 24, सुबह के समय ज्यादा चटपटी चीज खाने से बचना चाहिए वरना आपको कई बीमारी होने का खतरा रहता है। नंबर 25, पानी में उबालकर मेथी के दानों का सेवन करने से सफेद पानी की समस्या दूर हो जाती है। आप मेथी के दानों को 500 मिलीलीटर पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न हो जाए,
फिर इस पानी को पी लें। नंबर 26, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही में टमाटर के रस को मिला लें, फिर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। रोजाना लगाने से 10 से 15 दिन में ही असर दिखने लगेगा। नंबर 27, अगर पीरियड्स के दौरान आपको तेज दर्द होता है या फिर पेट में अकड़न आ जाती है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप शारीरिक कार्य करने से बचें, वरना आपके शरीर का यह दर्द और अधिक बढ़ सकता है, और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा आराम करें। नंबर 28, दुबले पतले लोग अगर खजूर के साथ भुने चने का सेवन करते हैं तो उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और कमजोरी भी दूर होने लगती है। नंबर 29, वजन को तेजी से कम करने के लिए 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबालकर अजवाइन के इस पानी को पीने से तेजी से वजन कम होता है। नंबर 30, रोजाना अनार का जूस पीने से दिल स्वस्थ रहता है और खून की कमी भी नहीं होती है। नंबर 31, आप गुड़ के चावल का सेवन करते हैं तो इससे खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होती है। नंबर 32, 3 सफेद चीजें, मैदा, चीनी और सफेद नमक, इन तीनों चीजों को अपनी डाइट में कम से कम सेवन करें। नंबर 33, सुबह के समय 3 से 4 पत्तियां नीम की चबाने से फोड़े, फुंसी और चेहरे पर दाग धब्बे जैसी समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 34, रोजाना 1 रसगुल्ला या छेना खाने से आंखों में होने वाली जलन और पीलापन जैसी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आंखें भी स्वस्थ रहती हैं। नंबर 35, कान में मैल जमा होने पर खुजली होने लगती है, जिसे दूर करने के लिए रात को सोते समय 2 से 3 बूंदें सरसों के तेल की डालें। ऐसा करने से सुबह तक कान में जमा हुआ मैल बाहर आ जाएगा। नंबर 36, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए अंकुरित चने में नींबू, अदरक के टुकड़े, प्याज, खीरा, हल्का नमक और काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में खाएं। इससे आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। नंबर 37, सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन कम होता है, इसका असर आपको 10 से 15 दिन में ही दिखने लगेगा। नंबर 38, रोजाना सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से शरीर हेल्दी और फिट रहता है, इससे शरीर में जमा होने वाली कैलोरी से भी बचा जा सकता है। नंबर 39, अनार का जूस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है। नंबर 40, जो औरतें बैठकर झाड़ू लगाती हैं, उन्हें कभी भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। नंबर 41, यदि आप आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाते हैं तो इससे बाल सफेद नहीं होंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।